देश में बढ़ते प्रदूषण से हर इंसान आंखों की बीमारी से जूझ रहा है और अधिकतर लोग मोतिया के शिकार होते जा रहे हैं। इस संबंध में कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों की टीम ने एक कैंप आयोजित किया। इस कैंप में चंडीगढ़ से पहुंचे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर एसएस पांडे जी ने अर्थ प्रकाश संवाददाता अरविंद शर्मा से खुलकर बातचीत की। देखिए उन्होंने मोतिया के बारे में डॉक्टर ने क्या सुझाव दिए। पत्रकार टीवी से अरविंद शर्मा, आज आपको लेकर आए हैं हम गीता जयंती उत्सव पे, जहां पर केडीपी के तत्वावधान में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। और ये जो डॉक्टर्स हैं, ये पीजीआई से पूरी टीम आई हुई है, जो आईज़ का स्पेशल एक चेकअप हो रहा है। हम यहां से सीधी बातचीत करेंगे, हमारे बीच में ये डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। रोक ले, नहीं नहीं सर, इंटरव्यू। हमारे बीच में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि यहाँ जो ये कैंप का आयोजन किया गया है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हर प्रकाश में बहुत बहुत स्वागत है। अरे सर, ये जो कैंप का आयोजन किया गया है, आप वहाँ चंडीगढ़ पीजीआई से यहाँ आए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए जी। इस कैंप का जो हमारे ये फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो हमने सोचा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं, लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारा आज का मकसद जो है, मेन मकसद तो काले मोतिया के अवेयरनेस के बारे में है। काला मोतिया, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया अलग अलग चीज़ें होती हैं। सफ़ेद मोतिया का तो इलाज आराम से हो जाता है, ऑपरेशन करके जो नज़र है वो पूरी की पूरी वापस आ जाती है, लेकिन जो काला मोतिया है उससे जो नज़र कम होती है उसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन उससे हम रोक सकते हैं काले मोतिया को। तो रोकने का मतलब है कि काले मोतिया की वजह से जो नज़र कम होती है उसको बचाया जा सकता है, तो इसीलिए उसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में ये बताना चाहूँगा, जो काला मोतिया है एक बहुत ही साइलेंट डिजीज़ होती है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, 90% लोगों को पता नहीं होता कि उनके काला मोतिया है या नहीं है, क्योंकि उसके कोई लक्षण नहीं होते उस चीज़ के, तो इसलिए अक्सर ये इग्नोर हो जाता है। तो ये अक्सर ये देखा गया कि जो काला मोतिया है ये 40-45 साल की उम्र के लोगों में ये शुरू होता है, और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसके होने की संभावना बढ़ती जाती है। जैसे मैंने बोला, इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो इसलिए इसके जांच से ही पता चल सकता है। ये जानना ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जिनको काला मोतिया की ज़्यादा संभावना है होने की, और जिनको अपना चेकअप करवाना चाहिए। तो एक तो जो उम्र के हिसाब से ये बढ़ता है, तो 40-45 साल की उम्र में एक आँखों का अच्छा चेकअप ज़रूरी होता है, तो उससे ताकि इसके पता चल जाए। दूसरा है, अगर किसी के परिवार में किसी को काला मोतिया हुआ हो, किसी के भाई बहन माता पिता या कोई दूसरे रिश्तेदारों में अगर काला मोतिया रहा हो पहले, तो उनको भी इसकी संभावना ज़्यादा होती है काला मोतिया होने की, तो उनको भी अपना आँखों का चेकअप जो है टाइम से करवाते रहना चाहिए। तीसरा होता है कि जैसे जो हम चश्मा लगाते हैं लोग, तो जो मायोपिक हैं तो उनको भी थोड़ा सा रिस्क इसका काले मोतिया होने का ज़्यादा होता है। चौथा होता है कि अगर आपकी आंखों का प्रेशर, जैसे अगर आपने कभी आई चेकअप कराया हो और आंख का प्रेशर आपका देखा गया हो, तो अगर तो आपकी आंखों का जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे आंख के अंदर भी प्रेशर होता है, वो ज़रूरी होता है, लेकिन वो एक उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, तो अगर उस रेंज से वो ज़्यादा हो जाए तो फिर काला मोतिया बन सकता है। तो अगर आपकी आंखों का प्रेशर ज़्यादा पाया गया हो किसी एग्जामिनेशन में, तो आपको फिर उसके फॉलोअप के लिए दोबारा से कुछ टाइम के बाद फिर से चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी आंख में कोई चोट लगी हो किस बचपन में या बाद में भी, और या कोई ऑपरेशन हुआ आँख का किसी वजह से, तो उसके बाद भी थोड़ा सा काले मोती होने के लक्षण कई बार बढ़ जाते हैं। इसमें खासकर एक जो ध्यान रखने वाली बात जो है वो दवाइयों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ दवाइयाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, ऑफ़ द काउंटर आप ले सकते हो। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिनको थोड़ा बहुत खांस खारिश खुजली आँख में होती है, तो दवाई बगैर प्रिस्क्रिप्शन पे ले लेते हैं, और अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लें तो उसको बगैर सुपरविजन के यूज़ करते रहते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया कि दवाइयों में स्टीरॉयड ड्रॉप्स रहती हैं, तो स्टीरॉयड ड्रॉप अगर आप अनसुपरवाइज डालेंगे तो आँख का प्रेशर उससे बढ़ जाता है, और उसके बाद काला मोतिया हो सकता है, उसकी वजह से आँखों की जो आपकी रोशनी है वो जा सकती है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप में ये कोई भी चीज़ इसमें से लागू होती है तो आपको आँख का चेकअप ज़रूरी करवाना चाहिए, और अगर नहीं भी होती है तो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आप साल में एक आँखों का चेकअप ज़रूर करवाएं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।